हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। माय डीमन वेब के एपिसोड नंबर 131 के साथ एक बार फिर हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आपको एपिसोड पसंद आएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, धन्यवाद। तो एपिसोड 133 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बार्थे लायन किंग से कहता है, सावधान रहे, यह आदमी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है और साथ ही चालाक दिखता है। लायन किंग कहता है, अरे क्या यहाँ पर भी बोने हैं। बार्थे कहता है, खैर पिछली बार मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस एपिसोड में एलिना कहती है, क्या हो रहा है, और कोई बोने वास्तव में बोर में शामिल हो गए हैं। तभी एलिना देखती है कि वहाँ पर एक ग्लो करते हुए लड़की आ जाती है और वो फौरन एलिना के ऊपर अपनी किक से अटैक कर देती है। एली हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये कौन है। उस लड़की की किक इतनी दमदार होती है कि एलिना का हाथ पीछे हट जाता है। वो खरगोश जैसे दिखने वाली लड़की हंसते हुए एली से कहती है, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं, मैं ऑक्सर की रानी रॉक हिल हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी मानव जाति का माइंड इतना क्लियर होगा। यह उतना बुरा भी नहीं है, तुमको शायद पहले आराम करना चाहिए। इसके विपरीत यह तुम हो एलिना, मैंने तुमको इतने सालों से नहीं देखा है और तुम अब भी इतनी नीच और मतलबी हो जैसे रीजेंट की सर्वेंट। एलिना कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहती हो, तुम्हारी चॉइस सही है। रॉकी एलिना के ऊपर फिर से एक बार अटैक करते हुए कहती है, बेतुकी बात करना बंद करो, क्या तुम में से कुछ के लिए अन्य जातियों के भाग्य का फैसला करना सही है। यह बेहद बेहूदी बातें हैं। पर तभी एलिना भी 130 टाइम डेस्टिनी पंच चला देती है। रॉक हिल भी स्ट्रेंथ रैबिट किक से हमला कर देती है। जैसे ही वो दोनों आपस में टकराते हैं तो उनमें से बहुत तेज एक शॉक वेव निकलती है। एली हैरान होते हुए कहता है, यह तो बहुत अच्छी पावर है। रॉक हिल और एलिना आपस में टकरा कर थोड़ा दूर हट जाते हैं। रॉक हिल कहती, लेग स्ट्रेंथ X2। यह कहती रॉक हिल वहां से गायब हो जाती है और बहुत तेजी से एलिना के चारों तरफ घूमते हुए रैपिड फोर्स किक X2 से एलिना पर अपनी किक से अटैक कर देती है। पर एलिना फौरन उसके अटैक को डॉज कर लेती है और रॉक हिल की किक से बहुत ही बड़ा धमाका जमीन पे होता है। रॉक हिल कहती है, वह बहुत तेज है, एक बार फिर से अटैक करती हूँ। यह कहते ही रॉक हिल फौरन एलिना के ऊपर अपने पंजों से अटैक कर देती है पर एलिना उसके सभी अटैक को डॉज करते हुए पीछे हट रही होती है। रॉक हिल एक बार फिर से अपनी किक से अटैक करती है लेकिन एलिना फौरन दूर हट जाती है कि तभी लायन किंग पीछे से एलिना के ऊपर अपने पंजों से अटैक कर देता है लेकिन एलिना फौरन पीछे घूमकर लायन किंग में एक जोरदार पंच मारती है। रॉक हिल कहती है, यह मेरे लिए एक टेलीस्कोपिंग अपॉर्चुनिटी है। 3 times left। एलिना रॉक हिल के अटैक को रोकते हुए कहती है, सबसे सेंसिटिव ऑर्क की अपेक्षा के अनुसार। हाँ, एली यह देखकर हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, ऑर्क्स बहुत ही स्ट्रांग है लेकिन एलिना भी बहुत गहराई से छिप रही है, यह वाकई डरावना है। तभी वहाँ पर मिस्टर मार्टिन आ जाते हैं। एली कहता है, मिस्टर मार्टिन आप यहाँ पर। मिस्टर मार्टिन एली से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो, काफी समय हो गया है, हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। Love the chat.